हे दोस्तों, इंडियन आर्मी की तरफ से एक और खबर आ चुकी है यहाँ पे, जिसमें हम आपको बताना चाहेंगे कि इंडियन आर्मी की भर्ती एक और स्टेट की आई है, ना कि ऑल इंडिया लेवल की। तो अगर आप लोग ये जानना चाहते हैं आपकी स्टेट की भर्ती कब आएगी, तो आप मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको उसमें भी सपोर्ट करूंगा। फिलहाल जो आज की भर्ती है, थोड़ा सा सबसे पहले उसके बारे में बता दूं, ताकि जो अदर स्टेट के लोग हैं उनकी भी यहाँ पे हेल्प हो सके। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको सोल्जर जनरल ड्यूटी, सोल्जर टेक्निकल, सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट, सोल्जर क्लर्क स्टोर कीपर और सोल्जर ट्रेड्समैन की एज, क्वालिफिकेशन और हाइट, और इसमें सिलेक्शन कैसे होती है इन पोस्टों की, वो डिटेल देने वाला हूं। और अगर आप किसी अदर स्टेट से हैं, आपको नहीं पता, तो आप लोग ये वीडियो कंप्लीट देखते रहिएगा। इसके साथ ही मैं आपको एक और चीज यहाँ पे बहुत जरूरी बताना चाहता हूँ, कुछ आपके फायदे की बात बताना चाहता हूँ, कि दोस्तों मेरा एक चैनल है मिस्टर साजन, जिसमें मैं शेयर मार्केट का लाइव प्रूफ बता रहा हूँ कि मैं कैसे पैसा कमा रहा हूँ, और इसके लिए आपको कोई पैसा नहीं देना है दोस्तों। मुझे ये फ्री चैनल यहाँ पे मैं ओपन किया है, जिसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और मेरे साथ सीख सकते हैं शेयर मार्केट। जैसे कि देखिए, अभी यहाँ पे मेरा ट्रेड जो है वो चल रहा है क्रूड ऑयल में, और अभी मुझे 60 रुपीज का, आप देख सकते हैं यहाँ पे, कुछ लॉस दिखा रहा है। तो ये मैं इसके अंदर बना हुआ हूँ, और अगर आप मेरा सुबह वाला ट्रेड देखेंगे तो इसके अंदर मुझे प्रॉफिट था 30%। तो आप कंप्लीटली इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा अगर आप कंप्लीट सीखना चाहते हैं। फिलहाल ऑन द वे, अब वापिस हम आते हैं, इसके बारे में हमें बात करनी है, तो सोल्जर जर्नल ड्यूटी की, और ये जो मैं पोस्टें आपको बता रहा हूं, इसमें क्या क्वालिफिकेशन रखी गई है, क्या एज लिमिट है, इसके पहले स्टेट बता दूं, तो ये बिहार स्टेट के अंदर भर्ती आई है, अरवाल, औरंगाबाद, गया, जमुई, जहानाबाद, कमीर कुछ करके है, और ये है लखीसारी है, और नालंदा है, नवाड़ा है, रोहतक है और शेखपुरा है। आप लोग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करेंगे 6 दिसंबर से 19 जनवरी 2020, यानी कि ये नोटिफिकेशन काफी टाइम पहले आ गई थी लेकिन अपडेट नहीं था। तो चलिए, आई होप अब आपको मिल गया होगा, तो प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। आपके एडमिट कार्ड 21 जनवरी से लेकर 31 जनवरी 2020 तक आ जाएंगे। चलिए अब बढ़ते हैं इसकी क्वालिफिकेशन, एज लिमिट और कुछ आपके सिलेक्शन प्रोसेस की तरफ। हे हाँ भाई, दोस्तों, चलिए सोल्जर जनरल ड्यूटी के लिए बात करते हैं। तो 17.5 साल से लेके 21 साल तक एज है, 1 अक्टूबर 1998 से लेके 1 अप्रैल 2002 के बीच में आपका जन्म होना चाहिए। हाइट 169, जो कि सिर्फ बिहार के लिए होगी, जो डिस्ट्रिक्ट्स मैंने ऊपर मेंशन की है, और वेट 50 kg मिनिमम चलेगा, ये ऑल इंडिया लेवल पे चलता है। हाइट और चेस्ट जो है वो मिनिमम आपकी 77 होनी चाहिए, फैलाने के बाद 5 सेंटीमीटर, ये भी ऑल इंडिया पे चलती है। क्वालिफिकेशन आप सिर्फ 10वीं पास होने चाहिए, 45% मार्क्स होने चाहिए, और हर एक सब्जेक्ट में 33% होना जरूरी है। बात करते हैं सोल्जर टेक्निकल के लिए, 17.5 साल से लेकर 23 साल एज, 1996 एक अक्टूबर से लेके 1 अप्रैल 2002 के बीच में जन्म, हाइट 169 ही है, बाकी सारा कुछ सेम है, सिर्फ आप 12वीं पास होने चाहिए साइंस के साथ, और आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ा होना चाहिए, और 50% आपके मार्क्स ओवरऑल होने चाहिए, और 40% हर एक सब्जेक्ट में होने जरूरी है। सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट के लिए दोस्तों सेम एज, सेम हाइट, सेम चेस्ट चाहिए, आप सिर्फ 12वीं पास होने चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के साथ, इंग्लिश के साथ, और आपके 50% ओवरऑल मार्क्स होने चाहिए, और 40% हर एक सब्जेक्ट में होने चाहिए। वहीं दूसरी तरफ अगर आपने 12वीं पास की है साइंस के साथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जूलॉजी एंड इंग्लिश के साथ, मिनिमम 50% के साथ, और आपके 40% हर एक सब्जेक्ट में है, तो आप यहाँ पे तब भी एलिजिबल है। आई थिंक ये सेम ही हो गया, अच्छा जूलॉजी यहाँ पे दिया है एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट। चलिए, सोल्जर क्लर्क स्टोर कीपर, सॉरी, ये जो मैंने क्वालिफिकेशन आपको वहां पे बताई है, सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट, असिस्टेंट वेटनरी की है, इस चीज ध्यान रखिएगा। सोल्जर क्लर्क स्टोर कीपर के लिए देखिए सारा कुछ सेम है, सिर्फ हाइट 162 है, और आप 12वीं पास होने चाहिए, किसी भी स्ट्रीम में चल जाएगा, बट 60% आपके ओवरऑल मार्क्स चाहिए, और 50% हर एक सब्जेक्ट में मार्क्स होना जरूरी है, और साथ में आपने मैथ्स हो जाए, अकाउंट हो जाए, या बुक कीपिंग, इन तीनों में से कोई भी एक सब्जेक्ट, चाहे 10वीं में पढ़ा है, सॉरी, ये आपने, हाँ, चाहे 10वीं में पढ़ा है, चाहे 12वीं में पढ़ा है, चल जाएगा, और 50% इन ईच सब्जेक्ट होना जरूरी है। ठीक है, तो ये है, और इंग्लिश मेंशन जो है, इंग्लिश ये जो सब्जेक्ट है, चाहे आपने 10वीं में, 12वीं में, मैं फिर से आपको बताता हूँ कि 12वीं के अंदर आपके 50% मार्क्स हर एक सब्जेक्ट में होने जरूरी है, और 60% ओवरऑल मार्क्स, बाकी आपने इंग्लिश और साथ में मैथ या अकाउंट्स या बुक कीपिंग, इन तीनों में से कोई भी एक सब्जेक्ट पढ़ा है, चल जाएगा, चाहे वो 10वीं, चाहे वो 12वीं के अंदर।
और 50% इसमें भी चाहिए। सोल्जर ट्रेड्समैन के लिए मिनिमम एज लिमिट आपकी 17.5 साल से 23 साल तक है। सारा कुछ यहाँ पे सेम है, हाइट 169 है, आप सिर्फ 10वीं पास होने चाहिए और 33% आपके ओवरऑल मार्क्स जो है वो होने चाहिए हर एक सब्जेक्ट में। वहीं सोल्जर ट्रेड्समैन के लिए 8वीं पास भी कुछ पोस्टें होती हैं दोस्तों, इसमें सिर्फ 8वीं पास चाहिए और 33% आपके पास जो मार्क्स हैं हर एक सब्जेक्ट में होने जरूरी है। अब बात करते हैं यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस की। तो देखिए यार, अगर आपके पास कोई स्पोर्ट्स का कोटा है, कोई आप एक्स सर्विसमैन है, सन ऑफ सर्विसमैन के बेटे हैं, वार विडो के बेटे हैं, विडो ऑफ एक्स सर्विसमैन है, तो देखिए आपको यहाँ पे 2-2 सेंटीमीटर की छूट हाइट में मिलेगी, 1-1 सेंटीमीटर की छूट आपको चेस्ट में मिलेगी और 2-2 केजी की वेट में छूट मिलेगी। वहीं अगर कोई स्पोर्ट्स पर्सन होगा जिसने पिछले 2 सालों के अंदर कोई भी फर्स्ट सेकंड पोजीशन हासिल की है, चाहे वो इंटरनेशनल, नेशनल, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तो उसको 2 सेंटीमीटर की हाइट में, 3 चेस्ट में और 5 केजी की वेट में छूट मिल जाएगी। तो बाकी आपके देखिए सिलेक्शन प्रोसेस, आपकी रनिंग होती है जिसमें आपको 60 मार्क्स, 48 मार्क्स मिलते हैं, यानी कि 2 ग्रुप इसमें बनते हैं। अगर आप 5 मिनट 30 सेकंड के अंदर कंप्लीट करेंगे तो 60 मार्क्स, अगर आप ऊपर चले जाते हैं और 45 सेकंड के पहले करते हैं तो फिर 48 मार्क्स। पुलअप्स होते हैं जो आपको डंडा पकड़ के ऊपर लटकना होता है, तो 10 मार्क्स मिलते हैं। अगर 10 मारोगे तो 40 मार्क्स यानी कि फुल मार्क्स, 9 मारोगे पुलअप्स तो 33 मार्क्स, 8 मारोगे तो 27, 7 मारोगे तो 21, 6 मारोगे तो 16। एक फीट डिच होता है, जंप लगाना होता है और एक डंडे के ऊपर चल के दिखाना है आपने, बस ये आपने सिर्फ क्वालिफाई करना है, नथिंग एल्स। उसके बाद आपका फिजिकल मेजरमेंट यानी कि हाइट चेस्ट को नापा जाएगा, फिर मेडिकल टेस्ट होगा, फिर आपका एंड में रिटन टेस्ट होगा और फिर आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। रैली में आप सिर्फ एडमिट कार्ड और फोटोग्राफ और अपनी मार्कशीट लेके चले जाए तो आप रैली देख सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट की बात करूं तो आपके पास करेक्टर सर्टिफिकेट हो गया, आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो गया, आपके पास जो है अपना मैं कास्ट सर्टिफिकेट, ये जरूरी है अगर आप कास्ट का बेनिफिट लेना चाहते हैं, वैसे मिलता तो नहीं है। तो बाकी यही चीजें हैं जो मेन है, और अनमेरिड सर्टिफिकेट देना होता है अगर आप 21 सालों से कम है। बाकी इसके अलावा कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, एक एफिडेविट चाहिए जो कि रैली में आपको चाहिए होगा, 10 रुपए का, ये आप ले जाइएगा, ठीक है, तहसील में आप बोलिए वो आपको बना देंगे, और साथ में एक अपना आइडेंटिटी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ ले जाइए, जैसे कि बैंक पासबुक हो गया, पैन कार्ड या आधार कार्ड हो गया। तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो मैंने आपको बताए हैं, आई होप आपको ये रैली का मजा आया होगा। बाकी अगर आप इस रैली में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको बताना चाहूंगा samajayaka.in हमारी वेबसाइट है, आप इस वेबसाइट पे आए और यहाँ पे नोटिफिकेशन को डाउनलोड करें। और अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो नॉर्मल सी बात है, आप इस पेज पे बिल्कुल नीचे आएंगे और यहां से आप लोग अप्लाई भी कर लेंगे, और अगर आपको अप्लाई करना सीखना है तो आप ये वाली वीडियो देख सकते हैं। चलिए मिलता हूं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, समझ आया क्या।